नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तीसरी बार अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भी अपने रायगढ़ प्रवास पर रहेंगे। वो सुबह 10:35 पर हेलीकॉप्टर से ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हेलीपैड जाएंगे और वहां से पूंजी पथरा स्थित बंजारी माई धाम में पूजा तथा मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच बंगाल में हजारों महिलाएं आज तीसरे रिक्लेम द नाइट मार्च में शामिल होने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जन्मदिन पर आज मुजफ्फरपुर में कई कार्यक्रम होंगे। बता दें कि आज रक्तदान शिविर और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। भिवानी योग एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आज बिट्स इंटरनेशनल स्कूल के योगा हॉल में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता करवाई जाएगी। बता दें कि इस प्रतियोगिता में जिले से विभिन्न आयु वर्ग के अनेक प्रतिभागी भाग लेंगे। द प्रेस क्लब ऑफ देवघर के पदाधिकारियों का चुनाव आज यानी रविवार के दिन स्थानीय इंडोर स्टेडियम में होगा। मतदान सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगा। आपको बता दें, मतदान समाप्ति के बाद उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आज UPPSC स्टाफ नर्स आयुर्वेद भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस परीक्षा के लिए पहले 300 पदों के लिए भर्ती की जानी थी, लेकिन अब ये भर्तियां 180 पदों पर की जाएंगी। राजस्थान के कोटा जिले में काली सिंध नदी पर बने नवनीरा बैराज के 27 गेट की आज से टेस्टिंग होगी। ये टेस्टिंग आज से 12 सितंबर के बीच होगी। इस दौरान काली सिंध नदी की कोटा जिले में स्थित बड़ोर ढीबरी पुलिया के साथ साथ कई हाईवे पर आवागमन बाधित रहेगा। टाटा बरहमपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल आज होगा। ट्रेन टाटा नगर स्टेशन से सुबह 5:20 पर खुलेगी। दिन के 2:30 पर बरहमपुर स्टेशन पर पहुंचेगी। इसी तरह से बरहमपुर स्टेशन से दिन के 3 बजे खुलेगी और रात के 11:55 पर टाटा नगर स्टेशन पर पहुंचेगी। देश के 4 राज्यों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने आज राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1320 में आज के दिन गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना था। साल 1933 में आज ही के दिन प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्म हुआ था। साल 1952 में आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ गिरिराज सिंह का जन्म हुआ था। साल 2006 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव बम धमाके हुए थे। साल 2019 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ राम जेठमलानी का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।